हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 होम डेकोर आइडिया शेयर करने वाली हूँ और तीनों DIYs मैंने एक ही मटेरियल का यूज करके बनाया है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स ले लिया है और इसको ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है और मैंने सिर्फ एक ही तरफ पेंट किया है क्योंकि एक तरफ तो कवर ही रहेगा तो उधर पेंट करने से क्या ही फायदा, क्यों ही कलर वेस्ट करें। तो टोटल हमें 36 स्टिक्स को पेंट करना है। तो अब हमें स्टिक्स को इस तरीके से क्यूब शेप में चिपका लेना है और सारे स्टिक्स को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो टोटल हमारा ये 9 पीस रेडी हो जाएगा। तो अब हमें इसे इस तरीके से अरेंज करना है और टोटल स्टिक्स के बीच, मतलब टोटल क्यूब्स के बीच जितना गैप बच रहा है वो हम सिमिलर रखेंगे। तो नीचे की ओर मैंने 5 क्यूब्स को अरेंज किया है और ऊपर हम इस तरीके से 4 क्यूब्स को अरेंज करेंगे और अब सारे को चिपका लेना है हमें। तो ये कुछ इस तरीके से रेडी होगा और इसे और भी सुंदर बनाने के लिए मैं ये मिरर टाइप्स वाले स्टोन्स स्टिक्स कर रही हूँ। आप इसके जगह पे मिरर्स भी स्टिक्स कर सकते हो। तो सारे क्यूब्स के कॉर्नर में मैंने इसे चिपका लिया है। तो बस हमें इतना ही करना है और अब ये DIY बिल्कुल रेडी है और ये ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे ट्राई करोगे तो आप ब्लैक कलर का ही बनाना। तो ये DIY तो काफी ईजी था और काफी यूनिक भी लग रहा है। बस हमें इसे चिपकाने टाइम ध्यान से चिपकाना है, मतलब सारा गैप सिमिलर हो तभी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आप इस तरीके से नेल पे हैंग करके अपने वॉल को डेकोर कर सकते हो और आप इसे पलट के भी लगा सकते हो जो कि कुछ इस तरीके से लगेगा। ये DIY 2-in-1 है, आप किसी भी तरीके से इसे डेकोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये पेपर ग्लास। तो हमें यहाँ पे बड़े वाले पेपर ग्लास को लेना है और अब हमें 2 ग्लासेस और चाहिए और ग्लास के अंदर ही अब इन दोनों ग्लासेस को भी डाल देंगे ताकि ये स्ट्रांग भी हो जाए और साइज में भी थोड़ा बड़ा हो जाए। और अब हमें इस ग्लास को पूरा पेंट कर लेना है और अब हमें चाहिए आइसक्रीम स्टिक्स और ग्लास के ऊपर हम इसे चिपकाते जाएंगे। तो स्टिक्स को हमें हल्का सा गैप देते हुए चिपकाना है, तब नीचे की ओर हमें गैप नहीं रखना है बट ऊपर की ओर इस तरीके से गैप रखते हुए चिपकाते जाना है। तो कुछ इस तरीके से हमें रेडी करना है। तो मैं ये छोटू सा बकेट बनाने वाली हूँ जो कि काफी सुंदर लगने वाला है। अब मैंने यहाँ पे ये लैस लिया है और अपने इस बकेट में इस तरीके से चिपका लिया है। आप चाहो तो इसके जगह पे जूट रोप का भी यूज कर सकते हो। अब मैंने ये पुराना सा फूल लिया है, पुराना सा फूल मतलब पुराना सा एक शोपीस था उसी से मैंने इसे निकाल लिया। तो अब बकेट का हैंडल बनाएंगे जिसके लिए मैं लैस का ही यूज कर रही हूँ। ये वाला DIY बनाने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा था, ये तुरंत बन गया था। तो इस फूल का बीच वाला पार्ट भी निकल चुका था तो उसे भी मैंने पेंट करके नया कर लिया है। तो अब वेस्ट चीज़ों का यूज करना है तो ये सब करना पड़ता है। बाय द वे, ये छोटू सा बकेट मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आप चाहो तो इसे इस तरीके से भी रख सकते हो, सिर्फ इसी तरीके से भी इसे डेकोर कर सकते हो या फिर इसमें फेक प्लांट रख के भी इसे डेकोर कर सकते हो। और खुद से बनाए हुए हैंडमेड DIYs होम डेकोर पीसेस की तो बात ही अलग है। खुद से बनाए हुए चीजों को अपने होम को डेकोर करो जो कि सबसे बेस्ट है। तो अब बनाते हैं हम अपना 3rd DIY जो कि सबसे इजी है। तो उसके लिए भी हमें सेम आइसक्रीम स्टिक्स ही चाहिए। तो स्टिक्स को हमें इस तरीके से चिपकाते जाना है, मतलब हमें एक हार्ट बनाना है। तो जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से बस आप फॉलो करते जाइएगा। टूटे हुए दिल को इस तरीके से जोड़ते जाना है। तो ये कंप्लीट दिल बन चुका है, इसके नीचे हमें 2 और बनाना है। तो अब नीचे वाले दिल को हमें इस तरीके से चिपकाना है। तो ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा। आप चाहो तो इसे और भी बड़ा बना सकते हो पर ये मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था तो बस मैंने इतना ही इसे रहने दिया। तो ऊपर वाले हार्ट को मैंने ब्लैक कलर से पेंट किया है एंड सेकेंड वाले को मैंने गोल्डन से, फिर 3rd वाले को मैंने रेड कलर से पेंट किया है। तो अब ये DIY कंप्लीट हो चुका है, बस हमें इतना ही करना है। तो अब हमारा ये एक और वॉल डेकोर पीस रेडी हो गया। आप इसे किसी भी कॉर्नर में लगा के डेकोर कर सकते हो। ये वाला DIY मतलब कॉर्नर वगैरह में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।